हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, ब्रीथ एंड जनरेशन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ग्रोथ मतलब वृद्धि, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, ब्रीथ सांस लेना एंड जनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं आगे पीढ़ी, हम लोग जो आगे पीढ़ी होता है उसको हम लोग जनरेशन बोलते हैं। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय व्हिच ट्रीज एंड प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम द सन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक द फूड दे नीड टू लिव एंड ग्रो। जैसे मनुष्य खाद्य खाते हैं जिंदा रहने के लिए, प्राणी जगत में भी जैसे पशु पक्षी होते हैं वो भी खाना खाते हैं अपना जिंदगी बचाए रखने के लिए, उसी तरह प्लांट भी, उनको भी खाना प्रस्तुत करना होता है। वो अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग को सांस से बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर से लेते हैं, ज़मीन से, मिट्टी से पानी लेते हैं और सूरज की रश्मि और सूरज की किरण से उसको मिला के वो लोग पेड़ पौधा अपना खाद्य प्रस्तुत करते हैं और उसी के बदौलत वो अपना जीवन जीते हैं और आगे पेड़ भी उसका विकास होता है, वृद्धि भी होता है, बढ़ते भी हैं। बाय स्टोरिंग कार्बन एबव एंड बिलो द ग्राउंड द ट्रीज एंड प्लांट्स एंड फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर बताया जाता है ज़मीन के नीचे जब वो पेड़ गड़ा जाता है तो पेड़ पौधा क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस ऑक्सीजन के चलते सारा प्राणी जगत जीवित है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन से आप लोग सांस नहीं ले पाते, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए पेड़ पौधा बहुत ज़रूरी होता है और ये सब संभव होता है थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। देन हाउ डज फोटोसिंथेसिस वर्क, प्रकाश संश्लेषण कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन दैट ह्यूमन एंड एनिमल्स ब्रीथ। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलता है उसमें प्राणी जगत, पशु पक्षी जो है वो अपना सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन वो अपना अंदर को लेते हैं सांस की तौर पर और बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड उसको छोड़ते हैं। हियर इज हाउ इट वर्क्स, ट्री एंड प्लांट रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एज वेल एज मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल। जैसे प्लांट्स होता है, पेड़ पौधा होता है, वो ज़मीन से खनिज मिनरल्स लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, जो उपादान लेते हैं उनका पेड़ को बढ़ने में मदद करता है वो ज़मीन से ही लेते हैं। एट द सेम टाइम द लीव्स और नीडल्स अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो उसी तरह उनका पेड़ में जो डाली होता है, पत्ता होता है, डहनी होता है, ये सारा ऑब्जर्व करता है क्या है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में रहता है उसको वो ऑब्जर्व करता है, अंदर सोख लेता है। दिस रॉ मटेरियल्स फ्लो टू प्लांट सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, इसमें जो मटेरियल, क्लोरोफिल मतलब एक्चुअली क्लोरोफिल एक चीज़ होता है, ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड इन काइनोबैक्टीरिया व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली जो क्लोरोफिल जो होता है वो पेड़ पौधा में जो ग्रीनिंग दिखता है, हरा तर पर्ण हरिमा उसको बोलते हैं, पर्ण हरिमा, जिसमें पेड़ पौधा पत्ता से ग्रीन दिखता है, ये उसी एलिमेंट है जो कि वो पेड़ में मौजूद है, पत्ता में रहता है, लेकिन जब सूरज की रोशनी पड़ता है तो वो हरा दिखता है। तो यहाँ पे बताते हैं क्लोरोफिल यूज सनलाइट एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड कार्बन बेस्ड कंपाउंड सच एज ग्लूकोज या सुगर दैट हेल्प्स प्लांट ग्रो। यहाँ पर जो क्लोरोफिल होते हैं वो सनलाइट, सूरज से किरोसिन अपने अंदर को लेते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करते हैं और वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसको भी खींच लेते हैं और ये सारा चीज़ और ग्लूकोज, शुगर और सब पेड़ के साथ मिला होके उसको बनाते और वो अपना खाद्य प्रस्तुत करते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन, जिसका अर्थ होता है प्रकाश संश्लेषण
और कार्बन, जिसको हम लोग अंगारक बोलते हैं, अंगारक बोलते हैं। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग अस विद ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ, फॉरेस्ट एंड फोटोसिंथेसिस ऑल्सो प्ले ए वाइटल रोल इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर, हेल्पिंग मिटिगेट द हार्मफुल इम्पैक्ट्स एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कैन हैव ऑन द एनवायरनमेंट। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसी समय हम लोग का जो एटमॉस्फेयर में आसमान पे जो एयर होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो सोख लेता है, और जब सोख लेता है तो आप वो जैसे हम लोग सांस की तरफ और ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर जो छोड़ते हैं सांस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसी तरह पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं ये जितना हम लोग का एयर में जितना टॉक्सिक एलिमेंट होता है वो सब जब पेड़ ले लेते हैं अपने तरफ से सोख लेते हैं तो ऑक्सीजन बहुत अच्छा कूलिंग एलिमेंट होता है तो वो बाहर आता है, जो कि हम लोग का वातावरण के लिए बहुत अच्छा होता है, प्राणी जगत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा अगर लगाया जाता है तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर में होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और ऑक्सीजन के परिमाण बढ़ता रहता है। तो ये जो कि हम लोग को हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो कि इंसान प्राणी जगत और पशु पक्षी सब के लिए आसान होता है सांस लेने में, और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा संभव हो पाता है। आज ओवरऑल हम लोग फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के बारे में, उसका क्या काम होता है और ये इसका अर्थ क्या होता है और इसका फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग को जाने। कल प्रयास करेंगे इस टॉपिक में और कुछ लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।